आईपीएल के दो सबसे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और क्विंटन डिकॉक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्लेयर्स के बीच आईपीएल बैटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर मेरे लेटेस्ट वीडियो पर तीन कमेंट्स आए थे, जहां पर चंद्रपाल सिंह केवाई आड़े और गणपति टेंट हाउस ने कहा था कि संजू सैमसन वर्सेस क्विंटन डिकॉक के बीच आईपीएल बैटिंग कंपैरिजन करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्लेयर्स के बीच बैटिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहना बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो संजू सैमसन के फैन तो फटाफट से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, दोनों प्लेयर्स का डेब्यू जो है वो आईपीएल 2013 में हुआ था, यानी कि दोनों प्लेयर्स का जो डेब्यू ईयर है वो सेम है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर इन दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस किस प्रकार का था। तो सबसे पहले हम क्विंटन डिकॉक के स्टैट्स के ऊपर नजर डालने वाले हैं। तो क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल 2019 में 16 मैचेज खेले थे, जहाँ पर 16 इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने टोटल 529 रन बनाए थे। इनका हाइएस्ट जो था वो 81 था, एवरेज 35 का था, वही स्ट्राइक रेट जो है वो 132 का था। बात कर लेते हैं संजू सैमसन के लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के बारे में। तो संजू सैमसन ने आईपीएल 2019 में 12 मैचेज में बल्लेबाजी करी थी, जहां पर इन्होंने टोटल 342 रन बनाए थे। इनका हाईएस्ट जो है वो 102 था, एवरेज 34 का था, वही स्ट्राइक रेट 148 का था। तो दोनों प्लेयर्स के अगर लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाला जाए तो क्विंटन डिकॉक ने संजू सैमसन से रन भले ही ज्यादा बनाया है, लेकिन क्विंटन डिकॉक का स्ट्राइक रेट जो है वो संजू सैमसन से लो है, और साथ ही साथ क्विंटन डिकॉक का एवरेज जो है वो संजू सैमसन के बराबरी में है। तो ऐसे में दोनों प्लेयर्स का लास्ट ईयर लगभग इक्वल परफॉर्मेंस था, क्योंकि संजू सैमसन ने क्विंटन डिकॉक से कम मैचेज खेले थे, इसीलिए उनका रन जो है वो कम है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीएल के ऑल ओवर स्टैट्स के बारे में, यानी कि अभी तक इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल किस प्रकार से गया है, कितने रन इन्होंने बनाए हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले आपको बता देते हैं संजू सैमसन के स्टैट्स के बारे में। तो आईपीएल हिस्ट्री में अभी तक संजू सैमसन ने 93 मैचेज खेले, जिसमें से इन्होंने 89 इनिंग्स में बल्लेबाजी करी है। 9 बार संजू सैमसन नॉट आउट रहे, इन्होंने टोटल 2209 रन बनाए हैं। इनका हाईएस्ट जो है वो 102 है, जो कि लास्ट ईयर आया था। इनका एवरेज जो है वो 27 का है। वही स्ट्राइक रेट के बारे में आपको बता दें तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 130 का है, यानी कि संजू सैमसन का अभी तक का आईपीएल हिस्ट्री में काफी अच्छा स्टैट्स नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक के ऑल ओवर स्टैट्स के बारे में। तो क्विंटन डिकॉक ने अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में 50 मैचेज खेले हैं, जहां पर 50 बार को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। 2 बार क्विंटन डिकॉक नॉट आउट रहे हैं, इन्होंने टोटल 1456 रन बनाए हैं। इनका एवरेज जो है वो 30 का है, स्ट्राइक रेट जो है वो 131 का है, वही हाईएस्ट स्कोर इनका 108 है। यानी कि दोनों प्लेयर्स के ऑल ओवर आईपीएल स्टैट्स के ऊपर नजर डाला जाए तो दोनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस लगभग सेम है, स्ट्राइक रेट भी सेम है और एवरेज भी लगभग सेम है। तो इन दोनों प्लेयर्स के बीच अभी तक आईपीएल हिस्ट्री में काफी अच्छी बैटल रही है और दोनों प्लेयर्स का स्टैट्स लास्ट ईयर या फिर ऑल ओवर हिस्ट्री में लगभग सेम रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों प्लेयर्स में से कौन से अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर देना। और आप नेक्स्ट वीडियो किन दो प्लेयर्स के बीच देखना चाहते हो, किन दो प्लेयर्स के बीच कंपैरिजन देखना चाहते हो, आप ये भी कमेंट करके दे सकते हो, जिसको कि आपको वीडियो में मेंशन किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।